मंदिर परिसर में सो रहे दो साधुओं की धारदार हत्यार से निर्मम हत्या, आरोपी हुआ गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मंदिर परिसर में सो रहे दो साधुओं की निर्मम हत्या कर घटना को अंजाम दिया गया। मामला बुलंदशहर के अनुपशहर कोतवाली क्षेत्र पगौना गांव का है, जहां दो साधु शिव मंदिर की देखरेख और पुरोहित का काम करते थे। सोमवार की रात मंदिर परिसर में सो रहे दोनों साधुओं की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह जब ग्रामीण मंदिर में पहुंचे तो उन्हें दोनों साधुओं के खून से लथपथ शव पड़े मिले। इसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। साधुओं की हत्या की सूचना गांव में पहुंची तो गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। इस मामले में SSP बुलंदशहर संतोष कुमार ने बताया कि आरोपी साधुओं से नाराज था, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव में आज एक दुखद घटना हुई है। दो बाबा एक शिव मंदिर पर जगदीश उर्फ रंगीदास और शेर सिंह नाम के थे, जिनमें बड़े बाबा की उम्र लगभग 55 साल और छोटे बाबा की उम्र 45 साल के आसपास थी। उसी गांव का एक रेडी व्यक्ति बुराड़ी उर्फ राजू, जिसका नाम है, जो अनुसूचित जाति का है, और दो दिन पहले बाबा का चिमटा इसने गायब कर दिया था। इस बात को लेकर उसे धमकाया था। आज भांग के नशे में रात को किसी समय जा करके तलवार ले गई, इसके द्वारा इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई। सुबह लोगों ने, गांव के लोगों ने इस व्यक्ति को तलवार लेकर जाते हुए देखा था। गांव के लोग इसकी तलाश में लगे हुए थे। लगभग घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूसरे गाँव में नशे की हालत में और न्यूनतम वस्त्रों में, बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभी बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। मौके पे मैं पहुंच रहा हूं। कानून व्यवस्था की समस्या फिलहाल नहीं है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो प्राथमिक छानबीन से पता चला है वो यही है कि ये मंदिर पर इसके द्वारा 2 दिन पहले बाबा का चिमटा गायब किया गया था, जिसको लेकर बाबा लोगों ने इसे डांटा था और अपशब्द कहे थे। संभवतः उसी कारण और तनाव में आकर के अर्धविक्षिप्तता की स्थिति में इसके द्वारा यह घटना कारित की गई है। फिलहाल अभी कब्जे में है और अभी नशे में है, पूछताछ का प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच के अनुसार ये पाया गया है कि कुछ दिन पहले उसने पुजारियों का चिमटा गायब कर दिया था, जिसके बाद पुजारियों ने उसे डांटा था। इसी के चलते आज सुबह उसने दो पुजारियों की हत्या कर दी। तो वहीं इस मामले में CM योगी ने संज्ञान लेते हुए बुलंदशहर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में विस्तृत आख्या देने व दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के